आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आपकी इनपुट जा रही है, उससे आउटपुट क्या आ रहा है, ये बस आपको समझना है। आप मार्केट की दुकान से लाखों रुपए का सामान खरीद लिया होगा, भाई साहब आपने खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा, क्या मिला आपको? आपके घर के खर्चे कितने खड़े हुए? हाँ, कितने हजार रुपए की परचेजिंग होती है आपकी? 4,000 रुपए, यानी 48,000 रुपए साल के आप खरीद लेते हो, क्या मिलता है आपको? सामान मिलता है, लेकिन हर महीने 4,000 यहाँ से आप खर्च करते हो, तो सबसे पहला फायदा 20% डिस्काउंट पे यहाँ सामान मिलेगा, 800 रुपए बचे, प्लस आपका जो बिजनेस वैल्यूम होगा 4,000 की परचेजिंग अगर आप यहाँ से करते हो तो 3,000 के अबाउट बिजनेस वैल्यूम आएगा, जिसका 10% और आपको मिलेगा, 300 रुपए ये बचे, 1,100 रुपए बचाने चाहिए कि नहीं बचाने चाहिए? और 1,100 रुपए अगर आप बचाओगे तो 1,100 रुपए का फायदा मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ा वाला इसका पैकेट आता है ना, वो 1,100 रुपए का ही आता है। हाँ, बड़ा वाला, इसका बड़ा वाला पैकेट जो आता है वो 1,100 रुपए का आता है। आप अपने किचन के खर्चे से 1,100 रुपए बचा के अगर ये वाला खाद आपने इन्वेस्ट किया, आपने वो यूज किया अपने खेत में, तो खेत भी बहुत अच्छा आउटपुट आपको देगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी तक आपको लोग यूज करते थे कि नहीं करते थे? है ना, ब्रांड के नाम पे आपने रिबॉक पहना होगा, टाटा पहना होगा, बहुत सारी चीजें पहने होंगी जहां से आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन एक ब्रांड ऐसा भी है जहां से आप सामान लेंगे तो आपको फायदा भी होगा। यही चीज मुझे समझ में आई थी, और पिछले 2009 से मैं सिस्टम को सीख रहा हूँ, सीखते सीखते पढ़ाई के साथ साथ करते करते मुझे ये चीज समझ में आई कि यहां से जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो दुनिया की कोई इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती। आने वाले समय में आपकी मजबूरी बनेगी इस बिजनेस को करना। पूरी तरीके से डिजिटल होता जा रहा है, पूरी तरीके से बाजार बदल रहा है, खेती की स्टाइल बदल रही है, एजुकेशन स्टाइल बदल रही है, हर सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, आ रहे हैं कि आ रहे हैं, तो भाई धंधे में भी तो आएगा ना। तो वो सबसे बड़ा परिवर्तन आपके सामने खड़ा है कि खरीदारी के भी रुपए आपको मिलेंगे। बस यही चीज आपको समझना है। और बिजनेस में अगर आप जाते हो, इसका एक और पार्ट है 3 से 8 और 1 से 5% जो रॉयल्टी और टेक्निकल का, ये बिजनेस का पार्ट है। इसमें अगर आप 5 साल कुछ ना करके बस इसमें टिक के आप टिके रह गए ना, लग के आप टिके रह गए, तो ये तो तय है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बस लगे रहो, लगे रहना है, सीखते हुए इस बिजनेस को करते रहना है, और वही करते करते आज मैं 1,000 किलोमीटर, आज से पहले मैं क्या बोलता था कि मैं बालाघाट में कभी आऊंगा, मुझे क्या लेना बालाघाट, हालांकि रोड इतना खराब नागपुर से इधर आने के बाद, ऐसे बढ़िया तो हमारे गाँव का रोड है, तो मुझे क्या पड़ी झूठ में रेड़ की हड्डी दुखाने के यहाँ आगे, लेकिन मुझे क्या खींच के लाया, सिस्टम ही लाया ना मुझे। आप लोगों से मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ, किसी का नाम बस ठाकरे साहब, एक ये ठाकरे साहब, ये ठाकरे साहब, और कोई ठाकरे साहब हो तो ठीक है, उसके अलावा तो मैं किसी को जानता भी नहीं, लेकिन मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी मजबूती क्या है, वो है सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो जहां हो आप वहीं रहोगे। आप अगर जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो सिस्टम को अडॉप्ट करिए। भाई सिस्टम जिस व्यक्ति के माध्यम से मेरी जिंदगी में आया, जिसके वजह से मैं आज टाइम मनी सिक्योरिटी से फ्री हूं, अपने लाइफस्टाइल को अपने मिजाज से जीता हूं, जहां मर्जी वहां मैं जाके जीता हूं। यहां कितने लोग हैं जो शिमला, कुल्लू, मनाली, श्रीनगर वगैरह गए हैं कभी बर्फबारी के मौसम में? कोई है? कितने लोग जाना चाहेंगे? तो आप 25 साल के हो गए, कोई 45 साल का हो गया, अभी तक गए नहीं, आप नहीं गए थे, गांव जाओगे कब, कब जाओगे? कारण देखो, यही सिस्टम है कि आप चाह के भी वहां इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं। और मैं ना चाहते हुए भी यहां आ गया क्योंकि मैं सही सिस्टम में था। यहां मेरे यहां कौन सी पहाड़ी है यार, यहां कौन सा स्नोफॉल हो रहा है, कौन सी बहुत सुंदर झील है क्या यहां पे, टूरिस्ट